हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मानसून स्पेशल अरबी के पत्तों के पकौड़े, जिन्हें हम लोग पतौड़ के पत्तों के पकौड़े भी बोलते हैं। और ये पत्ते मेरे खुद के गार्डन के हैं, मैंने इन्हें मार्केट से नहीं लिया है। तो यहाँ मैंने 13 से 14 पत्ते लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब मैं इन्हें सुखा लूँगी। पत्ते मैंने अच्छे से धो के सुखा लिए हैं। तो अब जो ये पत्ते के पीछे की जो डंडी है, मैं इसे इस तरीके से काट के ऐसे निकाल लूँगी। डंडी काटते वक्त ध्यान रखें कि आप पत्तों को बहुत अच्छे से पकड़ें, सॉफ्टली पकड़ें, ताकि ये टूटे ना ना फटे। तो बाकी सारे पत्तों की डंडियाँ भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। पकौड़ी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 10 से 12 लहसुन के दाने लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ पर 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। अब मैं इन्हें सबको पीस लूँगी और इनका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पर 1/2 किलो बेसन ले रही हूँ, क्योंकि मेरे जो अरबी के पत्ते हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, तो आप पत्तों के हिसाब से बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं बेसन में कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है, आप स्वाद अनुसार लें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अमचूर का पाउडर लिया है, आप चाहे तो 2 नींबू का रस या फिर 1 आम का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। खटाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अरबी के पत्तों से गले में खराश होती है, तो खट्टा होने से गले की खराश नहीं होती है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन और मिर्चों का जीरे का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो ऐड कर रही हूँ। अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती चली जाऊँगी और बेसन को मिक्स करती चली जाऊँगी, क्योंकि हमें बेसन में एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और हमें इसका ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है, ताकि ये पत्तों पर ईजीली लग भी जाए और ज़्यादा मतलब थिक भी ना हो। इस पॉइंट पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने से पत्तों की जो खराश होती है वो दब जाती है। पकौड़ियों में जो पकौड़ी खाने के बाद जो गले में खराश होने लगती है, ऑयल से पत्ते स्मूथ हो जाते हैं और खराश नहीं होती है। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी। और आप चाहें तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं, हींग से टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छी आती है, प्लस उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो गाइस, देख सकते हैं आप, मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। हमें कुछ इसी तरीके का बैटर चाहिए था। तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पत्ता लिया है और इसमें मैं इस तरीके से नीचे के इस डायरेक्शन में पेस्ट लगाती जाऊँगी। अब मैंने यहाँ पर बड़े से थोड़ा छोटा दूसरा पत्ता रख लिया है, उस पर भी मैं इसी तरीके से बैटर को अप्लाई करूँगी। बेसिकली हमें क्या करना है, 3 से 4 पत्तों की इसी तरीके से लेयर बनाकर तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर 4 पत्तों की लेयर बनाई है और अब हम इसे एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और बेसन अप्लाई करते चले जाएंगे। अब मैं इसकी बाकी की दोनों साइड इस तरीके से फोल्ड करूँगी और उस पर भी बैटर इस तरीके से अप्लाई करूँगी, ताकि ये एक हमें रोल बनाकर तैयार करना है।
तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक रोल बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। इस पर मैंने बहुत अच्छे से मतलब बैटर अप्लाई किया है, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए वरना पकौड़ियों का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर 14 पत्तों से मैंने 4 रोल बनाकर तैयार किए हैं। किसी में मैंने 3 पत्तों की लेयर करी है और किसी में 4 की। तो अब मैं रोल्स को धागे से इस तरीके से बांध लूँगी, क्योंकि अब हमें इन्हें स्टीम करना है। तो ये खुले ना, इस वजह से हम इसे धागे से इस तरीके से बांध लेंगे। रोल्स को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर रही हूँ। इससे रोल्स में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। रोल्स को स्टीम करने के लिए मैंने इस तरीके से एक छन्नी ले ली है, जिस पे मैं ऑयल ब्रश कर रही हूँ, ताकि जो रोल्स हम इस पे रखेंगे स्टीम देने के लिए वो इस पे चिपके ना। पानी अच्छा गर्म हो गया है, तो अब मैं इस पे एक एक करके 2 रोल्स प्लेस कर रही हूँ और मैं इन्हें ढक दूँगी। हमें पत्ते को गलाना है, इसलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट एक साइड से इस तरीके से ढक कर स्टीम होने दूँगी और फिर मैं उसे पलट कर दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट स्टीम कर लूँगी। छः से 7 मिनट हो गई है स्टीम होते हुए, तो अब मैं एक टूथपिक की हेल्प से इसे इस तरीके से चेक कर लूँगी। अगर टूथपिक स्मूथली जा रही है तो इसका मतलब है कि आपके पत्ते अच्छे से गल चुके हैं, और अगर रुक रुक के जा रही है तो आप 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से और स्टीम कर लीजिए। फिर अब मैं इसे ठंडा करने के लिए साइड रख दूँगी। मैंने यहाँ 4 रोल्स स्टीम कर लिए थे और ठंडे करने के लिए रख दिए थे, तो अब मैं यहाँ इसका धागा रिमूव कर रही हूँ। अब मैं रोल्स के चाकू की हेल्प से इस तरीके से पीसेस कट कर लूँगी। आप चाहे तो बड़े छोटे कैसे भी कट कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसे एंड तक ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सारे रोल्स के पीसेस कट कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पकौड़ियों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों के तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब मैंने इसके फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया है। तो अब मैं पकौड़ियों को तेल में इसी तरीके से डालकर 5 से 7 मिनट अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए गाइस, सारी पकौड़ियों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लिया है, और इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो लीजिए गाइस, मॉनसून स्पेशल अरवी के पत्तों की पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।